बिहार के मधुबनी में जज के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। झंझारपुर कोर्ट के जज अविनाश कुमार पर उनके केबिन में दो पुलिसकर्मियों ने पिस्टल की नोक पर जज के साथ मारपीट की। इसके बाद जब हल्ला मचा तो वहां पर वकील पहुंचे। इसके बाद वकीलों ने उन्हें पुलिसकर्मियों के जरिए बचाया। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी घोगलडीहा थाने में तैनात हैं। दोनों ही एक शिकायत पर चल रही सुनवाई में जज के सामने पेश हुए थे। फिलहाल घटना की वजह अब तक सामने नहीं आई है। इस पूरी घटना में कई वकीलों के भी घायल होने की खबर है। चश्मदीद वकील के मुताबिक पुलिस वाले एडीजे अविनाश कुमार को यहां तक कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें बुलाते हो। पिस्टल छीन लिया, चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ अभिमन्यु कुमार से, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा किसी तरह से, जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर 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 कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोगों को पुलिस से बताया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को 29 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले को देखने और सील बंद लिफाफे में स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।